नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ, अमेरिका से कुछ नेगेटिव संकेत आ रहे हैं उनके बारे में, और अमेरिका से आज एक बड़ी खबर भी आनी है। दोनों ही चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज बाजार में आप लोगों ने हल्की सी करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग या फिर वॉलिटिलिटी जो भी कह लीजिए देखा है, वो प्रॉपर एक तो यही उसके पीछे का कारण है, और दूसरा कारण ये कि आपने वन साइड 500 पॉइंट्स की तेजी देखी है। उसके बाद अगर आपको बीच बीच में 100 पॉइंट्स लाल निशान में दिख भी रहा है बाजार, तो कोई आपको डरने या घबराने की जरूरत है नहीं। मार्केट अभी इंटैक्ट है, वन साइडेड है और तेजी की तरफ है भारतीय बाजार के लिए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं। आपने आज भी जितनी बार भी लाल निशान में देखा, दोबारा से आपको ऊपर आता हुआ दिखा है बाजार, दोबारा आपको मौके दिए निकलने के। और मार्केट अगर मौके दे रहा है, इससे अच्छा कुछ है नहीं, यानी कि बाजार पॉजिटिव ही है। जाते जाते बाजार ने एक बढ़िया अपटिक भी दिखा दी, उसके बाद हरे निशान में भी आई है निफ्टी, तो इनफैक्ट और बैंक निफ्टी आपके लिए लाल निशान में दिखा है। मूव आया प्रॉपर आईटी की तरफ से, जिसकी वजह से तेजी आई है। एंड मारुति का शेयर 10,000 हो गया, 5 डिजिट में आ गया, और 200 पॉइंट्स की तेजी मुझे दिखती है यहां से डायरेक्टली, जो कि बड़े लंबे समय बाद स्टॉक ने कोई लेवल निकाला है, लाइफ हाई पे आया है, तो 200 पॉइंट तो जाना चाहिए, यानी कि 2% तो मुझे लगता है भागना चाहिए। प्रॉब्लम ये है जब बड़ा हो जाता है ना शेयर, तो लोगों को लगने लगता है यार डिप मिल जाए तो खरीदूंगा, और ऑलरेडी होता है नहीं किसी के पास जो बेच पाए प्रॉफिट बुक करें, तो वो डिप का वेट करते रहते हैं, स्टॉक भागता रहता है। ये बड़े शेयर की खासियत है, छोटे शेयर में हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन बड़े शेयर में उतनी जल्दी बुकिंग नहीं आती है प्रॉफिट। अब पहले मैं आपको बता देता हूं, कल अमेरिका के बाजार बंद थे, छुट्टी पे थे, आज आपके लिए अमेरिका के बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं। और अमेरिका के मार्केट्स में आज जो खुलेंगे वहां पे संकेत नेगेटिव है। नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो आपके लिए नैस्डैक फ्यूचर्स 15,268 पॉइंट पे आपको दिख रहे हैं, और लगभग 100 पॉइंट्स की गिरावट आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो यहां भी मोर देन 100 पॉइंट्स की गिरावट ही आपको देखने को मिल रही है। तो पहले तो दो नेगेटिव संकेत अमेरिका के बाजार से हैं कि उनके दोनों बड़े इंडाइसेस जो है नीचे दिख रहे हैं फ्यूचर्स पे। अब खुलेंगे कैसे वो देखने वाली बात है, बट हां आज नेगेटिव जरूर दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर और नैस्डैक फ्यूचर दोनों। दूसरा और सबसे अहम इवेंट जो है आज, वो है अमेरिका के बजार के फेड मिनट्स आने हैं। तो जो भी FOMC की मीटिंग में बातें हुई थी उसके मिनट्स आने हैं, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं ये देखने वाली बात है। जैसे आएंगे मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा सारा का सारा डाटा, बट इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ वहां से क्या नेगेटिव आ सकता है। तो देखिए, कुछ नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कुछ नेगेटिव आएगा। इनकेस आता भी है तो आपको एक बाजार में 100-150 पॉइंट की इनकेस डिप मिल जाए तो वो लेने के मौके ढूंढने हैं आपको। बाजार पे आपका व्यू किसी भी हाल में इस समय नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर कट बोला था, बेचना नहीं है। इंडेक्स पे जो भी हो रहा है उसके बाद इंडेक्स में ही हुआ, जो भी हुआ स्टॉक में नहीं हुआ, और आज से स्टॉक में कहीं ना कहीं होना शुरू हुआ है ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लग रहा है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बढ़िया मूव दिया। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का जो रेशो वो काफी सुधरता हुआ दिखा, तो ये दर्शा रहा है कि भैया आज लोगों की पोर्टफोलियो में हरियाली आना शुरू हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज के सेशन में सारे के सारे सेक्टर हरे निशान में थे, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। इनके इनफैक्ट मार्केट आज बड़ी तेजी में हो सकता था अगर दो स्टॉक सपोर्ट कर देते या फिर केवल गिरते नहीं, वो थे आपके लिए HDFC बैंक और लिमिटेड। ये दोनों ही 3-3% नीचे हैं। अब इतना बड़ा कहीं ना कहीं वेटेज रखने वाला शेयर अगर 3% टूटेगा तो बाजार पे दबाव बनाने का काम तो करेगा ही करेगा। आज के टॉप गेनर फार्मा और ऑटो थे, जिनमें उतनी वेटेज नहीं है कि वो अपने दम पर मार्केट को खींचे। डीवीज लैब और बजाज ऑटो मार्केट को लीड कर रहे हैं, और बजाज ऑटो की तरफ से एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसकी वजह से आइशर मोटर नीचे टूट गया है, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अब यही बजाज ऑटो और डीवीज की जगह ना TCS और इंफोसिस होते तो मार्केट का हाल कुछ और ही होता, क्योंकि उनका वेट है, उनका मार्केट में हैवी वेट है। यार रिलायंस होता तो फिर आप पूछो ही मत, लेकिन आज गिरने वाले साइड पे हैवी वेटेज स्टॉक थे जिनका हैवी वेट है, और बढ़ने वाले में उतना वेटेज नहीं है मार्केट में जितना होना चाहिए था। OMC कंपनीज में तूफानी तेजी देखने को मिली है, बट मेन चीज जो आज के लिए आपके लिए है वो है फेड मिनट्स, उनका डाटा देखना है कैसा है। बस ये एक इवेंट के तरीके से ही लेना, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में इवेंट चलते रहते हैं, बट मार्केट अगर स्ट्रेंथ में है तो वो ऊपर ही जाती है, और अभी भारतीय बाजार सुपर डुपर सुपर स्ट्रेंथ में है मैं ये कह सकता हूं। और आपको टेंशन फ्री होकर पॉजिटिव बैठना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी है, जो ले रखा है उसे रखिए, अभी बेचने का समय नहीं है। मैं आपके साथ बोलूंगा आप बेचो, मैं टॉप पे नहीं बोलूंगा, मैं टॉप से जब 2-2.5% नीचे आ जाएगा तब बोलूंगा, बट अभी तो नहीं दिखता है। टॉप पे मैं बेच भी नहीं पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है भैया जो टॉप और बॉटम पकड़ पाए, बट हाँ
जब तक लग रहा है चलने दो तब तक चलने देने के लिए जरूर कहूंगा, तो और अभी तक यही लग रहा है कि स्टॉक्स को आप चलने दीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।